नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर की गई मुकुट पूजा 8 सितंबर से शुरू होगा। देवथर में स्थानीय कलाकारों का कला रामलीला मंचन। खबर रीवा के देवथर से है, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाएगा रामलीला का मंचन। अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त पर कमेटी के अध्यक्ष ने किया मुकुट पूजा। कहा जाता है कि हर वर्ष यह परंपरा यूं ही निभाई जाती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष भी रामलीला मंचन की तैयारी चल रही है। इस रामलीला में कुछ विशेष लीलाओं को प्रदर्शित कर लोगों के बीच सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का संदेश दिया जाता है। श्री भैरवनाथ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने मुकुट पूजा के आगामी 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली रामलीला पर सभी को आमंत्रित किया। वहीं मुकुट पूजा के दौरान जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं भारी संख्या में नागरिक की उपस्थिति रही है। रीवा से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। नवग्रह के बीच में सूर्याय नमः, सूर्यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उधर से सोमाय नमः, सोमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भौमाय नमः, भौमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। देवसेना सुरा स्वाहा मातरो लोक मात्र ध्याये नित्यं गुणातीतं गुणत्रय सुनतं लोकनाथं त्रोकेशं कौस्तुभर्णं हरिं। ओम श्री आधार शक्ते नमः, पृथिव्यै नमः, तेजो ब्रह्मा मध्ये मात्रनाष्टा कुचो तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।